आप देख रहे हैं फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंगू मनंगू। दोस्तों बने रहेगा फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल पर, बजाते रहेगा फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम आपके लिए लेटेस्ट प्रस्तुति लेकर आए हैं और इसी तरीके आते रहेंगे। बने रहेगा फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल पर। आगे की जानकारी हमारे मंगू भाई देंगे। देखते रहेगा फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल, जिसको हम आपके लिए लेके आए हो लेटेस्ट प्रस्तुति, जिसको प्रस्तुत किया है चंद्रभूषण की नौटंकी संगीत व कंपनी ग्राम और छतौनी थाना नगराम जिला लखनऊ। हमारे जितने नए संगीत प्रेमी हैं सभी अनुरोध है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस बटन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारी वीडियो पसंद आए सबसे पहले लाइक कैसे करें, कमेंट करें, कमेंट में सुझाव जरूर दें। देखते रहे फिल्म जला, बजाते रहे फिल्म जला यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तुमको सुने महाराज। अरे भैया जरा मन ठंडे दिमाग से सोचो। मैं मानती हूँ कि अभी तक ये बच्चे हो गए रहे, लेकिन महाराज ये सयानी हो गए हैं। काम ये नहीं करेंगे तो क्या तुम्हारे घर का मैं ठेका ले रखें? और बेटी रेखा को कहाँ भेजा था? कपड़े धोने। कपड़े धोने, उसे तूने कपड़े नहीं धोने के लिए भेजा? अक्सर मेरी बात
कुशवाहा लाटा प्रसाद कुशवाहा अहमदाबाद की ओर से भाई बहन के लिए 11 रुपया दिया है बड़े दरबार। सूरज यात्री वाले भाई साहब, ये सूरज यात्री वाले भाई साहब एक चमियानी निवासी है और उन्हीं के साथ साथ आ गए नीरज भाई साहब और उन्हीं के साथ साथ आ गए तोते भाई साहब की तरफ से 11वें नवाब पाले से अंग्रेज। हाँ साहब, कहानी में गौर कीजिएगा, ये वही दुसरंद के लड़के जिनका नाम है कौशल सिंह। कौशल की आदत बिगड़ जाती है, ये शराबी और कबाबी हो जाते हैं, इनकी गंदी आदत हो जाती है। देखिए, शराब पी करके दरबा लगा हुआ है और दरबा महाराज के सामने शराब पी करके कौशल सिंह आते हैं और कि भारत की गंदी संदीप बातें करते। देखिए क्या हो रहा है। और है गुंजन आइसक्रीम, गुंजन आइसक्रीम जिसका प्रोपेगर इंदर भाई साहब कुशल खड़ा के उसे 10 रुपया है बोलने भरवा। क्या बताए उसने तो भरे दरबार में उसका हमारा भाई फोन से मुझे बहुत मारा था। इतना मारा कि अभी मेरी पेट इतने दर्द कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, वो बड़ा था इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। नहीं, मैं भी साले के तो 4 हाथ लगा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं शराब पीकर श्यामगा दरबार पिताजी के पास ये करे। ले शाबाश। और जो पीता रहे सुरख में का पानी, जो पीता रहे सुरख में का पानी, से कुछ कहना चाहता हूं। और कहो क्या यही घर में, और कहता तुम्हारा कहो क्या यही, कहो क्या यही घर में, और कहता तू
सारा इसमें केक दो गिलास है, तू क्या करेगा? एक बुढ़े के दो बाले बात सुन रहे, क्या करना चाहता है? ये तो थोड़ा सुबानी ले बाले शाबाश देख, मैंने दो पैक बनाए, एक पैक आप पी लो और एक पैक मैं पी लूं, फिर बात करने में कुछ मजा हुआ है। सुन मेरी बात ध्यान से बैठे, और उन्हीं के बेटे सूरज आइसक्रीम वाले 11 रुपया का पुरस्कार दिया है। बहुत धन्यवाद।
भैया भैया हो भैया हो भैया आओ चली नानी खिया भात चली आओ चली नानी खिया भात चली अभी भैया घर भर मारे को उतारू हाँ माँ चलो नानी खो भात चली जो सारा तुम्हें काड़ा ले क्या सारे खाए बेटा हो जाए आप बराबर और बेटा हो जाए आप बराबर तुझको समझे बाप बराबर जीना चाहते हो तो जीने शान से अगर वरना आंखें दिखा लोगे तो खत्म कर दूंगा अरे तुलसीदास से कह लिया किनारा अब उड़री मेहरिया का कौन सहारा उड़री मेहरिया का कौन सहारा आवाज लड़ाई काली नहीं हर सिहारा राम सियारा चोरी छुरही सोरी चली जाओ देख ले महाराज कभी नंगी नाच रहे महाराज यह महाराज ने कहा काबिल है महाराज महाराज जैसा है यह जब दे महाराज महाराज घर बर्बाद करके धर दिए थे महाराज महाराज तुमसे कह रहा है कि महाराज दूसरे शादी ने करो महाराज दूसरे शादी की हो महाराज मंच घर बर्बाद करके धर दी थी महाराज तुम्हारी किस्मत माँ एक लड़की रहा एक लड़का रहा महाराज तुम कह रहा दूसरे शादी ने करो महाराज और महाराज दूसरे शादी के सब बेकार करके घर धर दी महाराज महाराज अब हमारे कहा मानो महाराज एक छोड़ो महाराज और हम कर राखो महाराज चली जाओ नहीं अब ही और कुछ होई चले बंद मिल के भागो ही ठिकाने लगी हाँ हाँ महाराज बुढ़े बता रही हो बुढ़ापे में बुढ़ा बता रही हो बुढ़ापे में जन्म से जन्म जोश होता है बुढ़ापे में लेता है ते छह घंटे में होश होता है क्या समझ रही हो जितना अच्छा पानी मिले उतना लंबाई चावल ले हाँ देख लिया महाराज तुम्हारी के बेइज्जती कर रहा है महाराज चले गए नन्ही के भाग बोले महाराज महारानी की आदत बहुत बिगड़ चुकी है क्या बताया महाराज आइए लाइए महाराज आइए आवाज़ सुना सले कोटेदार प्रेम डीलर और सूरज आइसक्रीम की ओर से सले कोटेदार प्रेम डीलर और सूरज आइसक्रीम की ओर से 11 रुपए का पुरस्कार आया है और राज साहब कहते हैं चिंता न करिए रेखा की शादी में जितना राशन लगेगा मैं दूंगा हाँ साहब घर में गौर किएगा देखिए महाराज दरबार में बैठे हैं और वही कौन के हारे हुए सेनापति दरबार में आते हैं और के महाराज से छल करते हैं छल करके देखिए महाराज को कितनी दूर ले जाते हैं और के महाराज को क्या करते हैं क्या कहते हैं देखिए सेनापति दरबार में आते हैं महाराज सेनापति से क्या बात होती महाराज के बाद क्या विमान ने महारानी से कॉल किया है आज उसे पूरा करना भी उर हरा भरा वीरो से हरदम और प्यारा हिंदुस्तान और तीनों में ये तेरे समारा भारत के महान भारत के
और सुनी महाराज
बोले सरपति जी तो जो रतनगढ़ गुजरात कभी जो भी पागल भरता है तो रतनगढ़ में उसकी और की है मन वही तो लड़का देखा है और महाराज जब भी आपको फुर्सत मिले आप मेरे साथ चले मैं लड़का भी दिखा दूंगा और उसके परिवार वालों को दिखा दूंगा उनका रहन सहन कैसा है। नहीं सेनापति जी जो काम करना हो तो तत्काल करना।